संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र का आलेख, संविधान विधान भर नहीं है वो, ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, संविधान उसे एक तरह से व्याख्यायित करता है। मैं नहीं मानता कि राष्ट्र कोई भूभाग होता है, ये अपने आप में विचार है। ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री पुरुष में जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। राष्ट्र ने सारे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम के भाव से परिवार मनाने का संदेश दिया। हमारा संविधान इस उदात्त विचार का लिखित रूप है। संविधान का मूल हमारी वो महान परंपरा है। हमारे संविधान में लोका समस्ता सुखिनो भवतु का भाव निहित है। संविधान के मूल प्रारूप में भारतीय संस्कृति का कलात्मक चित्रण है। पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना हमारे देश के संविधान की है। राज्यपाल ने संविधान दिवस पर सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। लोक कल्याण और लोक आराधन के कार्यों के साथ लोगों से आह्वान किया। राज्यपाल ने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सहभागी बनने का भी यहाँ आमजन से आह्वान किया। तो संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र का ये बेहद अहम आलेख है, जहां लोक कल्याण लोक आराधन के कार्यों को लेकर ही लोगों से उन्होंने आह्वान किया है, सर्वांगीण विकास के सहभागी बनने का आह्वान आमजन से किया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। 2026 के बाद बदल जाएगा लोकसभा का स्वरूप। 53 साल के बाद दुगनी सीटों के साथ दिख सकता है नया चेहरा। 1973 के अब की बार के परिसीमन में दुगनी हो सकती हैं सीटें। तैयार हो रहे नए संसद भवन में 900 सदस्यों के बैठने की जगह है। 2026 में 2021 की जनगणना के अनुसार परिसीमन प्रस्तावित है। आबादी के आधार पर नई लोकसभा में होंगे अनुमानित 888 सांसद। यूपी में 63 नए सांसदों के साथ संख्या सबसे अधिक होगी 143 की। यूपी एमपी और राजस्थान समेत 10 राज्यों में 80% सीटें बढ़ेंगी। 2019 में हुए आम चुनाव में देश में थे करीब 88 करोड़ मतदाता, और ऐसे में नियमानुसार हर 10 लाख मतदाताओं पर होना चाहिए एक सांसद। और इसी कड़ी में माना यही जा रहा है कि 2026 तक ये आंकड़ा बढ़ेगा। तैयार हो रहे नए संसद भवन में 900 सदस्यों के बैठने की यहां पर जगह है। 1973 के बार के परिसीमन में दुगनी हो सकती हैं सीटें। पड़ोसी राज्यों से नहीं निपट रहा जल विवाद, विवाद सुलझे तो प्रदेश को मिले 4,800 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी। पंजाब हरियाणा एमपी की सीमाओं में फंसा राज्य के हक का पानी। मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश के हक के पानी के लिए कई बार पत्र भी लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये पत्र लिखा जा चुका है। पंजाब हरियाणा एमपी जल बंटवारा समझौते की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 3 दशक से राजस्थान जूझ रहा अपने हक के पानी के लिए। जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय जल आयोग की यहां कई बैठकें हुई हैं। प्रदेश से ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अब तो मिलना चाहिए हिस्सा, ये बार बार कहा जा रहा है। जिस तरह से लगातार अपने हक की लड़ाई राजस्थान लड़ रहा है, मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के हक के पानी के लिए कई बार पत्र भी लिखे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इसे लेकर पत्र लिखा जा चुका है। 1 जनवरी से बदलेंगे बेरोजगारी भत्ते के नियम। बेरोजगारी भत्ते के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग के प्रावधान लागू हैं। प्रोफेशनल कोर्स बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, नर्सिंग, बी फार्मा डिग्री, डिप्लोमा पास बेरोजगारों को बिना ट्रेनिंग ही भत्ता मिलेगा। अन्य डिग्री वालों के लिए तैयार होगा नया ट्रेनिंग कोर्स। अभी 3 महीने की ट्रेनिंग का जिम्मा RSLTC के पास है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 5,98,000 आवेदन है, लेकिन 3,29,000 पेंडिंग है। 2,59,266 बेरोजगारों को मिल चुका है 1,215,17,00,000 का भत्ता, लेकिन अब ये नियम 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ते के नियम बदलेंगे 1 जनवरी से, और उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अभी 3 महीने की ट्रेनिंग का जिम्मा RSLTC के पास है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 5,58,000 आवेदन आए, 3,29,000 पेंडिंग है इसमें आवेदन, 2,59,266 बेरोजगारों को 1,215,17,00,000 का भत्ता दिया जा चुका है। अलग से वाइल्ड लाइफ कैडर बनाने की योजना ने दम तोड़ा है। पृथक वाइल्ड लाइफ कैडर की फाइल दाखिल की है दफ्तर में। वाइल्ड लाइफ को लेकर वन अधिकारियों में कोई रुचि नहीं है, ऐसे में पृथक वाइल्ड लाइफ कैडर की फाइल बंद है और अब नहीं होंगे वन विभाग में 2 कैडर। खाली पदों को भरना फिलहाल वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। वन रक्षक से लेकर सहायक वन संरक्षक तक के पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। यहाँ इंटरेस्ट जरूर नजर नहीं आ रहा है। अलग से वाइल्ड लाइफ कैडर बनाने की योजना ने दम तोड़ा है। पृथक वाइल्ड लाइफ कैडर की फाइल दफ्तर में दाखिल है, लेकिन वाइल्ड लाइफ को लेकर वन अधिकारियों में ये रुचि नहीं नजर आती, और ऐसे में पृथक वाइल्ड लाइफ कैडर की फाइल फिलहाल बंद है।
अब क्यों चुप है देश की तेल कंपनियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। $85 से अधिक चल रहे थे कच्चे तेल के दाम, 20 दिन से प्रति बैरल $9 तक कम हुए कच्चे तेल के दाम। लेकिन देश में तेल कंपनियों ने नहीं घटाए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी के बाद रहस्यमय चुप्पी साध चुकी है तेल कंपनियां, जबकि $76 से $75 प्रति बैरल दाम पहुंचने पर देश में दाम बढ़ गए थे। $9 की बढ़त के दौरान प्रति लीटर ₹4 से अधिक की यहां पर वृद्धि हुई थी और अब 20 दिन से $9 प्रति बैरल कम कीमत पर बिक रहा है कच्चा तेल। लेकिन देश में तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम कर रही, और ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं तो तुरंत ही यहां पर दाम बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो आखिर चुप्पी क्यों तेल कंपनियां साध रखी हैं, क्यों अब दाम कम नहीं किए जा रहे हैं जबकि $9 का फर्क यहां पर साफ नजर आता है। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है, आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे प्रशासन गांव के संग शिविर। अभियान के तहत शिविरों में लोगों के तुरंत हो रहे हैं लंबित पड़े कामकाज। अब शिविरों में आ रही समस्या समाधान के लिए मंत्री समूह समिति गठित है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री साले मोहम्मद, गोविंद राम मेघवाल को समिति में सदस्य बनाया गया, जबकि राजस्व मंत्री रामलाल जाट को समिति का समन्वयक बनाया है। राजस्व विभाग को तय किया है समिति का प्रशासनिक विभाग। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी सदस्य सचिव यहां पर बनाया गया है। कैबिनेट सचिवालय सचिव जितेंद्र उपाध्याय ने फाइल पर अनुमोदन किया है। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर जयपुर एयरपोर्ट प्रशासक सतर्क है। एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए जगह जगह संदेश लगाए जा रहे हैं। हर समय मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के संदेश लगाए गए हैं। साथ ही दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों की यहां पर जांच हो रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होने पर RT-PCR जांच की यहां पर अनिवार्यता बरती गई है। वहीं खाड़ी देशों से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों की भी यहां नियमित जांच हो रही है। फिलहाल दुबई, शारजहां, मस्कट और दोहा से जयपुर आती है ये फ्लाइट्स, तो बेहद एहतियात बरता जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट यहां पर सतर्क है और लोगों को भी जागरूक करने की यहां पर कोशिश है, और इसलिए हर जगह एयरपोर्ट पर जागरूकता के संदेश यहां पर लगे हुए हैं ताकि हर समय मास्क पहन के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग वाले संदेश यहां पर लगे हैं ताकि लोगों की नजर पड़े, और अगर वो भूल रहे हैं तो एहतियात बरते क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। सावधान, लौट रहा कोरोना। प्रदेश में कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 29 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अकेले जयपुर में सामने 17 नए पॉजिटिव केस, इसमें आधा दर्जन के आसपास स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। और इसके अलावा अजमेर में 3, बाड़मेर में 2, बीकानेर में 3, दौसा में 2, नागौर में 2 नए पॉजिटिव केस यहां चिन्हित किए गए। हालांकि इस दरमियान 15 कोरोना संक्रमित मरीज यहां ठीक भी हुए। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 155 पहुंचा है, और सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। पिछले 24 घंटे में 29 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो अकेले जयपुर में 17 नए पॉजिटिव केस आए, इसमें आधा दर्जन के आसपास स्कूली बच्चे हैं जो कि पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अजमेर में 3 केसेस हैं, बाड़मेर में 2 हैं, बीकानेर में 3, दौसा में कल 2 आए और नागौर में 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हालांकि इस दरमियान 15 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर भव्य आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। स्पीकर बिरला ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी है। कहा, 72 वर्ष संविधान के अंगीकरण के साथ हुई देश की विकास यात्रा। संविधान हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमें दायित्वों का भी बोध कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग दिखाता है। ये ग्रंथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है, और ऐसे अद्भुत संविधान का निर्माण करने वाले हमारे संविधान मनीषियों को नमन है। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो कर्म करने की प्रेरणा देता है। सामूहिकता के साथ ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को विदेशों में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संविधान में नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। संविधान दिवस के दिन देश के लिए अपने कर्तव्यों पर विचार मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर होने वाली चर्चा से ही आमजन के जीवन में सार्थक बदलाव संभव है। जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का
संकल्प लें। तो संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर यह भव्य आयोजन हुआ और बेहद अहम बातें कही गई। जिम्मेदारियों को यहाँ पर निभाने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ करोड़ों की तादाद में जो आम जन है देश भर के, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में मौजूद सदस्य, और ऐसे में अपनी परंपराओं परिपाटियों को सशक्त करना बेहद जरूरी है कि हम अच्छी परंपराओं को लेकर आए, परिपाटियों को सशक्त करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन का संकल्प यहां पर लें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला यहां पर मौजूद रहे और संबोधित कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और तमाम ये अहम बातें कही। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। संविधान दिवस पर कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ की, संविधान दिवस कार्यक्रम की रचना के लिए स्पीकर बिरला की तारीफ की और साथ ही कहा लोकसभा अध्यक्ष बिरला का प्रयास अभिनंदन के योग्य है। स्पीकर सदन के गौरव होते हैं, स्पीकर की गरिमा होती है। संविधान बनाने वाले मनीषी हमें शिक्षा दें ताकि हम स्पीकर पद की गरिमा यहाँ पर बनाए रखें। तारीफ यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही कहा कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला का प्रयास अभिनंदन के योग्य है। स्पीकर सदन के गौरव होते हैं और स्पीकर की गरिमा यहां होती है। संविधान बनाने वाले मनीषी हमें शिक्षा दे ताकि हम स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें।